वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले मैंने क्या 1 to 20 क्वेश्चन डिस्कस किया अपने पिछले वीडियो में। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 21 से। एंड ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये इसके चार फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन, ये प्रूफ करना कोट 3x। मैंने क्या किया, टेक लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐसे उतार लिया। अब यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ एंगल में दे रखा 4x, यहाँ दे रखा 3x और यहाँ दे रखा 2x, ठीक है। अगर मैं इधर 4x और 3x को ऐड करता हूँ तो 7x आ जाएगा, 7x/2, बट ये पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि हमें एंगल में वैल्यू पॉइंट में लाना नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस 3x को मैं इधर कर देता हूं, 2x को इधर कर देता हूं। सेम यही कंडीशन नीचे करना है, sin 3x को इधर कर देना और cos में sin 2x को इधर करना है, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, cos 4x प्लस में cos 2x, यहां उतर गया cos 3x, सेम ये उतर गया sin 4x प्लस साइन 2x, इधर आ गया ये साइन 3x। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी, क्या फॉर्मूला, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये लाइन खींच दी बच्चों यहां पे, ठीक है। अब देखो क्या है, 2 कोस सी की वैल्यू कितना है, 4x प्लस में 2x/2, यहाँ उतर जाएगा cos 4x माइनस में 2x/2 प्लस में cos 3x, क्लियर। यहाँ उतर जाएगा सेम ऐसे ही, तो अब sin c प्लस d का देखो, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। यहाँ उतर गया 2 sin 4x प्लस में 2x/2, यानी कि 4x c है और 2x क्या हमारे पास है, d है। यहाँ भी देखा ना, c प्लस d, तो c के वैल्यू 4x है और d के वैल्यू 2x/2। फिर यहाँ दे रखा हमारे पास क्या, cos, तो यहाँ लिखोगे बच्चों यहाँ पे क्या, cos, यानी कि c माइनस d, यानी कि 4x माइनस के 2x/2 प्लस में sin 3x, क्लियर। अब देखो ध्यान से बच्चों, 2 cos 4x प्लस 2x 6x/2, यानी कि 3x cos 4x में से 2x लिया, 2x 2x को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, बचेगा x बचेगा प्लस में cos 3x। ऐसे नीचे आ जाओ बच्चों, यहां पे क्या आ गया, 2 sin 3x cos x फिर प्लस में साइन 3x, क्लियर। अब देखो इसमें भी कोस 3x है, इसमें भी कोस 3x है, यहां भी साइन 3x और यहां भी साइन 3x, तो ऊपर वाले में से मैं क्या करता हूं, 2 कोस 3x कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया कोस x प्लस 1। ऐसे नीचे वाले में से मैं क्या करता हूं, 2 साइन, सॉरी 2 कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा हमारे पास है 2, यहां उतर जाएगा साइन 3x, यहां उतर जाएगा 2 cos x प्लस 1। अब देखो यहां से कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास है, cos 3x अपॉन में sin 3x, और ये क्या होता है बच्चों हमारे पास, ये cot 3x, यहां उतर गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, क्लियर। नोट कर लो इसे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों दे रखा हमारे पास क्या, कोट एक्स कोट 2x माइनस के कोट 2x कोट 3x माइनस के कोट 3x कोट x इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो यहां एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, कोट x प्लस y, कोट x कोट y माइनस 1 अपॉन में कोट y प्लस कोट x, यानी कोट x प्लस y का ये फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है ये चीजें। तो देखो ध्यान से बच्चों, वी नो दैट, वी नो डैट, हम जानते हैं कि बच्चों यहां पे कोट 3x इज इक्वल टू
कोट एक्स प्लस में 2x या 2x प्लस x में इसको कर सकता हूं। देखो 3x है हमारे पास, 3x को ब्रेक कर सकता हूं x प्लस में 2x में, ठीक है। इसलिए मैंने लिया था कोट 3x, क्योंकि देखो हमें एंगल में क्या दे रखा है, x दे रखा है, 2x दे रखा है और 3x दे रखा है, एंगल में ये कंडीशन दे रखा है x 2x और 3x, ये तीन चीज दे रखा है। तो ये चीज हमारे पास कोट के एंगल में होना चाहिए, जब तक ये चीज नहीं मिलेगा आप ये प्रूफ नहीं कर सकते ये चीजें, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि कोट 3x को क्या ले, लेट कर लिया मैंने यहाँ पे कोट x प्लस में 2x, क्या किया मैंने कोट 3x इज इक्वल टू में कोट x प्लस में 2x में मैंने इसको लेट कर लिया। अब यहां देखो कोट x प्लस y का फॉर्मूला, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा x प्लस y, x के वैल्यू तो x ही है, y की जगह क्या हमारे पास है 2x है, तो यूजिंग फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से, ये तो ऐसे रहने दो यहां पे कोट 3x। अब कोट x प्लस y की जगह पे कोट x, यहां मतलब ये बच्चों कोट x और कोट y, y की वैल्यू क्या है 2x, ठीक है। फिर क्या आ गया हमारे पास माइनस के 1, यहां उतर गया माइनस के 1 अपॉन में कोट y, यानी कि कोट 2x कोट x, तो कोट x की जगह x ये आ गया, क्लियर। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके, इसके अपॉन में 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आ गया कोट x कोट 2x, ठीक है, और माइनस के 1, क्लियर। 1 की मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ गया हमारे पास। अब इस कोट की मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी कि कोट 3x कोट 2x कोट 3x कोट 2x, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे प्लस कोट 3x कोट x, क्लियर। अब देखो हमें यहां माइनस है, यहां माइनस 1 एक तरफ है, तो क्या करना 1 को उधर लेके चले जाओ, इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, यहां उतर गया कोट x कोट 2x, ये इधर आएगा तो माइनस को जाएगा कोट 3x कोट 2x, ये भी इधर आएगा तो माइनस को जाएगा कोट 3x कोट x, और ये 1 माइनस का इधर आकर के प्लस हो गया। अब देखो यहां से बच्चों हेंस प्रूफ डायरेक्ट, देखो जो दे रखा था हमारे पास क्या ये प्रूफ हो गया, क्लियर। उम्मीद करते हो समझ में आएगा, नोट कर लो बच्चों इसे। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों ये दे रखा है tan 4x इज इक्वल टू, ये दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मूला मैंने लिखा है tan 2 इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करना। अब देखिए ध्यान से बच्चों, टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड क्या उतार लो tan 4x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे tan 2 इंटू में 2x, 4 को ब्रेक कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे 2x को अगर मैं a ले लेता हूं तो यहां से क्या बन जाएगा tan 2a, ये कंडीशन बनेगा। अगर मैं 2x को a लेट करता हूं तो क्या बनेगा tan 2a, क्लियर। अब ये tan 2a बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर a, क्लियर। तो यहां से आप देखो x x ना लेकर के लास्ट में डायरेक्ट आप क्या है a के वैल्यू भी रख सकते हो। तो मैं यहां से क्या कर देता हूं इस क्वेश्चन को, यहां से यहां पे मान लेता हूं, यहां से इस साइड में लिख लूंगा, लेट 2x को मैंने क्या किया यहां से a मान लिया, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या कर देता हूं यहां से tan 2a, ठीक है, tan 2a ले लिया यहां पे, ठीक है। अब यहां tan 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से बच्चों, देखो 2 tan a 2 tan a अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर, क्लियर। अब देखो अब इस a की जगह पे मैं दोबारा से 2x लिख दूंगा तो दोबारा से tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो जाहिर सी बात है इसको हटा दो, ऐसे कोई जरूरत नहीं, यहां पे x ही रहने देना, ठीक है। देखो ये हमारे पास कंडीशन दे रखा ना 2x, में इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है, डायरेक्ट ले लेना कोई फायदा नहीं। अब देखो आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला tan 2x का निकल 2
टेन ए की वैल्यू क्या है 2x, नीचे सेम वही 1 माइनस के टेन स्क्वायर 2x, क्लियर। ये ले लिया मैंने ए की जगह डायरेक्ट 2x ही ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चे, यहां पे अपन ये बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन को मैंने खींच दिया, ये खींच दिया बीच वाली लाइन, क्लियर। अब देखो यहां से क्या, ये 2 ऐसे उधर, अब यहां देखो दोबारा से टेन 2x का फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा यहां से 2 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, क्लियर। मैंने इस देखो ये 2 तो बाहर है, मैंने इसके लिए लिया था टेन 2x के जगह पे, तो टेन अब a के जगह पे हमारे पास x ही है, सेम नीचे उतर जाएगा यहां पे 1 माइनस के, देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं बाहर ले लेते यहां पे टेन 2x के स्क्वायर, ये ले लिया मैंने बाहर, क्लियर। अब दोबारा से क्या करना है, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस के, इसमें दोबारा से अप्लाई कर दो वही वाला फॉर्मूला 2 टेन एक्स 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर। हमें क्या करना है बच्चों, ये लाइन खींच दिया, ऊपर वाला कुछ नहीं करना, ऊपर वाला कैसे उतार लो 4 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 माइनस में स्क्वायर है, ये क्या हो गया 4 टेन स्क्वायर एक्स, यहां उतर जाएगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पर भी कर दिया और इस पर भी कर दिया, दोनों पर कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना बच्चों यहां पे, अब देखो ध्यान से, अब ऊपर वाले को तो ऐसे लिख लो 4 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, नीचे एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा डायरेक्ट, यानी कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस के 4 टेन स्क्वायर एक्स, क्लियर। ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, ऊपर वालों को पैसे उतार लो 4 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, नीचे वालों को भी कुछ नहीं करना, देखो ये वाला देश उतर जाएगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बोलते a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और माइनस के 4 टेन स्क्वायर एक्स, इसमें a माइनस बी का आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab की फॉर्मूला खोल दिया इसमें, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये 4 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इन टू में, ये ऊपर चला गया 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन में, देखो 1 प्लस टेन 4x, अब देखो माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस के 6 टेन स्क्वायर एक्स, अब देखो ये इसके स्क्वायर से ये वाला कट गया, तो क्या दो बार यहां एक बार है, क्या बच गया 4 टेन एक्स और यहां बच गया 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, इसके अपॉन में बच्चों क्या बच गया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो जैसे 1 माइनस के 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस के 4 प्लस के टेन की पावर 4x, क्लियर। देखो ये प्रूफ करना था, ये आ गया, यहां क्या लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। चलो जो क्वेश्चन नंबर 24,
इधर क्या cos 4x is equal to 1 minus में 8 sin square x cos square x। अब यहाँ identity होता है बच्चों हमारे पास क्या है cos 2x is equal to में 2 cos square x minus 1, 1 minus में 2 sin square cos square x minus के sin square x और 10 के फॉर्म में भी होता है और एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास sin 2x का 2 sin x cos x। ठीक है तो सबसे पहले देखो ध्यान से टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लिया यहाँ पे cos 4x। ठीक है यहाँ उतर गया हमारे पास क्या है cos 4x को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू में 2x में। अब कंडीशन देखो बच्चों में प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना 1 माइनस के 8 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, यानी साइन भी होना चाहिए और कोस भी होना चाहिए। और सब सबसे पहली बात है कि 1 प्लस का होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ ठीक है और दोबारा से मैं क्या कोस स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो साइन में आता है बट हमारे पास 1 इधर है तो मैंने इसको क्या करना है इसमें साइन और कोस लाना है। ठीक है तो पहले साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जैसे यहाँ साइन आएगा साइन 2x के कंडीशन में बनेगा तो साइन 2x के लिए हम ये रख देंगे तो यहाँ से साइन भी आ जाएगा कोस भी आ जाएगा। ठीक है तो हमें क्या करना है देखो ध्यान से सबसे पहले क्या यानी कि कोस 2x यानी कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2x, मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है सेकंड अब देखो ध्यान से इसको मैं क्या कर सकता हूँ 1 माइनस में 2 स्क्वायर है ना, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ साइन 2x का होल स्क्वायर, बाहर निकाल दे स्क्वायर को। अब यहां देखो 1 माइनस में 2, अब sin 2x का फॉर्मूला sin 2x का बन गया 2 sin x cos x, क्या होता है यहां 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। क्लियर 1 माइनस में 2, अब देखो स्क्वायर सॉल्व करो क्या यहां पे 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 2 इंटू 4 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। क्लियर उम्मीद करते समझ में आगे नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा बच्चों कोस 6x इज इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना जो भी बने। ठीक है देखो बच्चों टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, इसको उतार लो यहां से कोस 6x, इसको कैसे ब्रेक करना है मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ कोस 3 इंटू में 2x। अब यहाँ फॉर्मूला लिखा है कोस 3x का 4 कोस 2x माइनस में 3 कोस x, तो सबसे पहले कोस 3x का आइडेंटिटी अप्लाई करो इसमें, ये उतर गया हमारे पास क्या है 4 कोस क्यूब 2x माइनस के 3 कोस 2x, ये मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया कोस 3x का, यानी कि कोस 3x के, x के जगह मैं यहाँ पे a ले लेता हूँ, जैसे cos 3a ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये अप्लाई कर दिया। ठीक है अब देखो एंगल में मार्क इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 cos 2x की 2 3 cos 2x, और अभी मैंने आइडेंटिटी अप्लाई किया था यहाँ से cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि हमारे पास इसके फॉर्मूले चार फॉर्मूले होते हैं, साइन में भी होता है ठीक है और साइन कोस में भी होता है, टेन में भी होता है कोस में भी होता है, यहाँ कोस का ही ओनली 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि मैं आंसर भी सब में के कोस के फॉर्म में लाना, इसलिए मैंने क्या करना है कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 ही अप्लाई करना है इसमें। अब देखो ध्यान से बच्चों यहां से 4 यहां कोस 2x क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ठीक है यहां उतर गया 2 3 सेम इसमें उतर गया वही 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के। क्लियर अब यहाँ आइडेंटिटी बनी है a माइनस बी की क्यूब, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a की क्यूब माइनस के b की क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी क्या करना है इसमें अप्लाई करना है, ये a हो गया और ये b हो गया, तो यहाँ आ गया बच्चों हमारे पास क्या है 4 यानी कि a की क्यूब माइनस में बी की क्यूब माइनस में 3 ए स्क्वायर यानी कि 2 कोस स्क्वायर ए स्क्वायर बी की वैल्यू कितना है 1, फिर प्लस में 3 बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या ए स्क्वायर फिर ए यानी कि 2 कोस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ क्या आ गया हमारे पास है इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो माइनस के
सिक्स कोस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस के थ्री। क्लियर? अब क्या करना है, हमारे पास सोल्व करो इसको। फोर ये कितना हो गया, एट कोस की पावर सिक्स, यहाँ चार बाहर ले लेना, किस तरीके से नहीं, फॉर्मूला यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करना यहाँ पे, ठीक है, इसके फॉर्मूला खोला, ठीक है। अब देखो क्या आ गया हमारे पास, एट कोस की सिक्स एक्स माइनस के वन, यहाँ उतर जाएगा थ्री इंटू में फोर कोस स्क्वायर कोस की पावर फोर एक्स, ठीक है, फिर प्लस सिक्स कोस स्क्वायर एक्स, फिर उतरेगा सिक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस के। क्लियर? अब इस फोर की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, आठ चौक बत्तीस कोस की पावर सिक्स एक्स माइनस के फोर, चार के बारह बारह चौक अड़तालीस कोस की पावर फोर एक्स, छः चौक चौबीस कोस स्क्वायर एक्स, सिक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। अब देखो ध्यान से, थर्टी टू कोस की पावर सिक्स एक्स माइनस के फोर्टी एट कोस की पावर फोर एक्स, ट्वेंटी फोर में से सिक्स गया प्लस के एटीन कोस स्क्वायर एक्स माइनस के फोर और प्लस के थ्री, तो माइनस के वन, ठीक है। देखो आगे हमारे पास है, यानी कि कोस सिक्स एक्स इज इक्वल टू लिखना लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। क्लियर? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा बच्चों आपको, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।